गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 अल्कलीज। द वर्ड अल्कली हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड दैट मीन्स ऐश। अल्कली का मतलब होता है ऐश। ऐश हैज़ अल्कलाइन प्रॉपर्टीज। और ऐश की सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? अल्कलाइन। पुट सम लाइम वाटर ऑन यूर फिंगर, रब देम अगेंस्ट ईच अदर, डू यू फील सम ग्रीसीनेस, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सॉप वाटर, मैश लीव्स ऑफ चाइना रोज एंड वॉशिंग सोडा। ऑल ऑफ दीज आर बेसिक इन नेचर। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कली की यदि डेफिनेशन की जाए तो क्या बोलते हैं? जो बेस पानी में घुल जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कलीज। मैग्नीशियम रिबन, वन एक्टिविटी इज गिवन सोर्स ऑफ हीट लाइक बर्निंग कैंडल, टेस्टिव वाटर, वाटर टॉन्ग्स एंड रेड एंड ब्लू लिटमस। बर्न अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट विद अ टॉन्ग। आपको मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा टुकड़ा जलाना है। कलेक्ट द वाइट ऐश डिजॉल्व इन वाटर, और उसको जो वाइट ऐश यानी राख बन जाएगी सफ़ेद कलर की, उसको पानी में घोल देना है। टच द सोल्यूशन फॉर्म एंड पुट सम ड्रॉप ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस। और फिर उस राख के पानी का एक एक बूंद ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर डालना है। होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला है Mg, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है जब हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में घुल जाता है तो वो फॉर्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम ऑल्सो डिजॉल्व। इसी तरह से पोटेशियम और सोडियम के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे आर बेसिस, दे आर सोपी टू टच एंड द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिक है इसलिए रेड लिटमस को टर्न करते हैं ब्लू में। यूजेस ऑफ बेसिस, बेस कहाँ यूज़ किया जाता है? बेसिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मेडिसिन, पेपर, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में बेस को यूज़ किया जाता है। बेसिस आर यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर। आपकी सॉइल यदि ज़्यादा एसिडिक है या पानी ज़्यादा एसिडिक है तो उसको बेस मिला के क्या करते हैं, सॉइल या वाटर को उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। बेसिस आर ऑल्सो यूज इन लेबॉरटरीज। लेबॉरटरी में भी NaOH है, KOH है, ये यूज़ किए जाते हैं जो कि बेस है। वेन ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर पुट ऑन अ ब्लू लिटमस इट टर्न्स रेड। जब आप लेमन जूस पे ब्लू लिटमस पेपर डाल, ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, लेमन जूस उसके ऊपर डालने से रेड हो जाता है। वॉट विल हैपन इफ़ यू पुट सम ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन। अब वो जो रेड हो गया है ब्लू लिटमस, उसके ऊपर यदि आप सोप सोल्यूशन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस ब्लू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लू। सोप सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू। आप आंसर लिखोगे सोप सोल्यूशन बिकम्स ब्लू। इज द सोल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर ऑब्टेन बाय द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम इन वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसका आंसर अभी हम बताते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इसका, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। मतलब ये क्या है, बेसिस है। ये आपका 2 का आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है उसको हम पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, फिनाप्थालीन लेना है और एक ड्रॉपर लगेगा। 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक टेस्ट ट्यूब में 20 ml क्या लेना है,
डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच का सोल्यूशन, और उसमें फिर 1 or 2 drops आप फिनाफ्थालीन डालोगे, कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिर जैसे ही आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब तक तब तक डालोगे जब तक उसका पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता है। केयरफुली एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दिस कलरलेस सोल्यूशन एंड चेक द सोल्यूशन अगेन, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वापस आप फिर NaOH उसमें डालोगे तो फिर पिंक कलर आएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो फिर कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बेस सोल्यूशन गिव पिंक कलर विथ फिनाफ्थालीन बाय एसिडिक सोल्यूशन रिमेन कलरलेस। कोई भी बेसिक सोल्यूशन है तो वो पिंक कलर देता है, कौन सा कलर देता है, पिंक कलर, और फिनाफ्थालीन इंडिकेटर के साथ एसिड रिमेन कलरलेस। और एसिड कैसे रहता है, कलरलेस। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू बेस, बेस लूजेस इज बेसिक प्रॉपर्टी। व्हेन बेस इज एडेड टू एन एसिड, एसिड लूजेस इज एसिडिक प्रॉपर्टी। जब कोई एसिड में बेस ऐड होता है तो वो बेस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, या फिर एसिड में कोई बेस ऐड करोगे तो एसिड अपनी बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आपको लिखना है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे पूरा, और इसके एग्जांपल भी पूछे हैं तो आप एग्जांपल में लिखोगे, दो एग्जांपल लिखने को बोला है आपको, तो पहला वाला पॉइंट कंप्लीट लिखोगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, और ये यहाँ तक। This is the answer. What is neutralization reaction? Give examples. Then, the burning sensation caused by ant bite. चींटी जब काटती है। If some washing soap or baking soda is applied at the place, then person feel better due to neutralization of the acid. वो जो ant यानी चींटी काटती है तो उसकी इसमें formic acid होता है और उसकी वजह से जलन या बर्निंग सेंसेशन होता है। उसके ऊपर यदि तुरंत हम वॉशिंग सोप या बेकिंग सोडा लगा देंगे तो वो न्यूट्रलाइज होता है और बर्निंग सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। न्यूट्रल सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इफ द सॉइल इज एसिडिक, सम लाइमस्टोन इज एडेड टू मेक इट न्यूट्रल। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। न्यूट्रल सॉइल प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बट सॉइल जनरली एक तो एसिडिक रहती है या फिर बेसिक रहती है। एसिडिक है तो हम उसमें चूना डाल सकते हैं, लाइमस्टोन या ऐश भी डाल सकते हैं, राख भी डाल सकते हैं, बट यदि सॉइल आपकी बेसिक है तो आपको उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है और वो सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा। साल्ट क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म। साल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली। कोई भी एसिड और अल्कली का रिएक्शन होता है तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। ये सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट नहीं, कोई भी रिएक्शन। कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, वो क्या होते हैं, सॉल्ट। वन एक्टिविटी इज गिवन इन यूर टेक्स्ट बुक, लेट्स सी। मटेरियल रिक्वायर्ड, 3 test tube, वाटर, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉमन सॉल्ट, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, 3 dropper। आपको 3 test tube लगेंगे, पानी लगेगा, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और कॉमन सॉल्ट लगेगा, ठीक है। टेक कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉमन सॉल्ट इन 3 test tube। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नमक आप खाते हो, सोडियम कार्बोनेट और आपको लेना है वॉशिंग सोडा मतलब, और कॉपर सल्फेट लेना है CuSO4। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू ईच मेक सोल्यूशन, और सब इसमें पानी डाल के उसका सोल्यूशन बनाओगे और फिर उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर डाल के चेक करोगे कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो कॉपर सल्फेट, कॉमन सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट, इसका आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, ये आपको चेक करना है। कॉपर सल्फेट का नाम, कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रियल। तो ये कैसे होता है ब्लू विट्रियल, CuSO4, कॉमन नेम इज ब्लू विट्रियल।
आपको उसमें देखना है कि कौन सा एसिडिक है, मतलब एसिडिक होगा तो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस रेड होगा, और यदि बेसिक है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एसिडिक, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू बेसिक। अब इसमें कॉमन सॉल्ट तो बेसिक है और सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, बेसिक है। कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है एक्चुअली, उसमें नो इफेक्ट आएगा। सोडियम कार्बोनेट आप डालोगे सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसका कॉमन नाम है क्या बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियॉल एंड कॉपर सल्फेट, तीनों का आपको क्या करना है, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। अब साल्ट विच चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, वो हो जाएगा एसिडिक साल्ट, और जो साल्ट रेड लिटमस को ब्लू में करेगा वो हो जाएगा बेसिक साल्ट, और सम साल्ट ऐसे रहेंगे जो नाइदर बेसिक है और नॉर एसिडिक है, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। अब इसमें आंसर आपको दिया हुआ है, यू जस्ट राइट डाउन। ये देखो आपको दिया है कॉपर सल्फेट एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, और कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है। यदि ये न्यूट्रल है तो क्या होगा कॉमन सॉल्ट का, आप कॉमन सॉल्ट का लिखोगे नाइदर ब्लू नॉर रेड लिटमस न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट आपका बेसिक सॉल्ट है, तो आप सोडियम कार्बोनेट के लिए लिखोगे रेड लिटमस ब्लू, और कॉपर सल्फेट आपका कौन से कलर का है, एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, आपका चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। इस तरह से आप ये इसमें लिखोगे, इस कॉलम में इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस में ब्लू लिटमस का लिखोगे, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस में और कॉमन सॉल्ट में इसको लिख डालोगे। क्लियर, ये टेबल को आपको इसको भूल जाना, ये कुछ मत करना, इसको लिखना और उसके सामने इसको डायरेक्ट लिख देना लाइन को। यूजेस ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, दिस मेक्स द फूड टेस्टी एंड हेल्प प्रिवेंट रॉटिंग ऑफ फिश एंड पिकल। कॉमन सॉल्ट नमक ज़्यादा डाल के घर में अचार या फिश को रॉट करके वो ये करके रखते हैं, नमक लगा के रख देते हैं, अचार में नमक डालते हैं, जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को ख़राब नहीं होने देता है। ये एक यूज़ है सॉल्ट का, यानी कॉमन सॉल्ट का जो हम खाते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ यूज टू वॉश क्लोथ। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा केक में, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। वो एसिडिटी जो है स्टमक की, यानी पेट में यदि एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड पे हम लोग बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। आवर बॉडी नीड मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इज सॉल्ट्स आर मेनली क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट्स का बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। हमारी बॉडी में ये सारे सॉल्ट की ज़रूरत होती है, क्लोराइड सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम से। वी लूज सम सॉल्ट थ्रू पेस्पिरेशन, जब पसीना आता है तो बहुत सारा सॉल्ट हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। दिस इज़ वाई अवर स्वेट इज साल्टी, इसीलिए हमें चिपचिपापन लगता है। वेन वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर ड्यू टू डायरिया और डिसेंट्री, वी ऑल्सो लूज मेनी सॉल्ट। जब डायरिया या लूज मोशन होता है तब हमारी बॉडी से बहुत सारा साल्ट क्या हो जाता है, चला जाता है। इन सच कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विथ सॉल्ट एंड शुगर एडेड टू इट, द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अवर बॉडी इज रिस्टोर्ड। इसलिए हमें नमक शक्कर का घोल बना के पीना चाहिए जब लूज मोशन की तकलीफ होती है। दिस ओरल रिहाइड्रेशन सेव चिल्ड्रन फ्रॉम प्रॉबेबल डेथ फ्रॉम डायरिया और डिसेंट्री, और ये जो है इसको ओरल सलाइन भी बोला जाता है, नमक शक्कर पानी का घोल, और वो लूज मोशन या
ज़्यादा वीकनेस लगने से दिया जाता है। वॉट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, इसका आंसर टिक कर दिया है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट विथ एग्जाम्पल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट का आप एग्जाम्पल में इसी को आंसर को लिख दोगे, ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर्स आप लिखोगे। द कलर ऑफ फिनेप्थालिन इन एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसका कलर कौन सा होता है? फिनेप्थालिन का कलरलेस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कौन सा गैस यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द जूस रॉ जूस ऑफ रॉ मैंगो इज एसिडिक, एसिड्स आर सोअर, एस ओ यू आर। बेसिस आर सोपी, टू टच। द नेचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर एसिडिक इन नेचर, अल्कलीज। नाउ सोप सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर, लिटमस पेपर इंडिकेटर, लेमन जूस एसिडिक इन नेचर। आप इसके आंसर्स लिखोगे, सोअर, सोपी, न्यूट्रल एंड अल्कलीज। नाउ आइडेंटिफाई फर्स्ट स्टेटमेंट, लेमन जूस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, इसमें लिखोगे रेड की जगह ब्लू को और ब्लू की जगह लिखोगे रेड को। बेसिस फील्स रफ, रफ की जगह क्या लिखोगे? सोपी। द फंक्शन ऑफ एन एंटासिड इंक्रीज की जगह लिखोगे रिड्यूस। कोटिंग ऑफ यूटेंसिल प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्निंग इन फायर, उसकी जगह लिखोगे रस्टिंग। व्हाट इज एन एसिड, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, इसके आंसर्स देखते हैं। Till then you write question answers in your copy. We have completed chapter 4, means 3 chapters we have completed, acid, bases and salt. Thank you.